खबर पंजाब टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत, मैं जितेंद्र कौर। इस वेले की वड्डी खबर, अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल अज सिर के सामने पेश होणगे। थोड़ी देर दे विच सुखबीर सिंह बादल सैक्टर 32 दे विच सिर के सामने पेश हो होणगे। तां दस दिए कि बाहरलियां तस्वीरां तुसीं माहौल टीवी स्क्रीन ते वेख सकदे हो कि किस तरीके का माहौल है। उत्थे पुलिस दे वल्लों बैरीकेडिंग लगाई हुई है। वड्डी गिणती दे विच अकाली वर्कर जो अकाली दल का समर्थन करते हैं वो समर्थक पहुँचे हुए ने। तो सुखबीर सिंह बादल अज सिट के सामने पेश होणगे। कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे विच सिट दे वल्लों सुखबीर सिंह बादल तो अज पुछगिछ की जानी है। इस तों पहलां कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे विच अकाली दल प्रधान ने 30 अगस्त नूं सिट दे सामने पेश होना सी, पर सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों सिर तो समा मंगया गया सी क्योंकि 30 अगस्त नूं अकाली दल प्रधान ने जीरा दे विच किसे होर मामले च कोर्ट दे विच पेश होना सी। तां सिर दे वल्लों 14 सितंबर यानी कि अज तक दा समा अकाली दल प्रधान नूं सिर सामने पेश होण दे लई दित्ता गया सी। तां अज 14 सितंबर है, अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल दी सिट अगे पेशी है। तां थोड़ी देर दे विच अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल सिर दे सामने पेश होणगे। कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे विच सिट दे वल्लों अकाली दल प्रधान तों पुछगिछ कीती जाणी है। दस दिए कि इस तों पहलां बहबल कलां गोलीकांड मामले दे विच अकाली दल प्रधान तो सिट पुछगिछ कर चुकी है। करीब 3 घंटे अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल तो सिट ने पुछगिछ की, सवालों के जवाब ले। तो सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि असीं पहलां भी सिट नूं जांच दे विच असीं सहयोग दे चुके हां ते हुण भी देवांगे। तो लगातार अकाली दल दे वल्लों जे वेख्या जाए तो सियासी ड्रामेबाजियां का दोष लगाया जा रहा है। उन्हां दा मनना है कि कांग्रेस भी सियासी ड्रामेबाजी कर रही सी, तो हुण आम आदमी पार्टी की जो नवी सरकार पंजाब बनी है, जो बदलाव की नीति को वेख के पंजाब के लोगों ने नवी सरकार नू मौका दिता है, तो यह सरकार भी हुण एक सियासी ड्रामेबाजियां कर रही है। तो दस दिए कि अकाली दल के आगुआं दे वल्लों लगातार आम आदमी पार्टी से सियासी ड्रामे करन दे जो दोष लगाए जा रहे हैं। तो सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों ये जरूर कहा गया कि वह जांच तो विच सहयोग जरूर करनगे। हालांकि जेकर गल की जाए तो मालविंदर कंग दे वल्लों ये दोष लगाए जा रहे कि सुखबीर सिंह बादल डर गए, वह जांच तो भगौड़ा हो गए, वह जांच दे विच सहयोग नहीं करनगे। तो बिक्रम मजीठिया ने कहा कि अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल जिवें पहलां भी जांच विच सहयोग कर चुके ने, तो अज भी लगातार जिवें सट उन्हां नूं बुलाउंदी है तो सवालों के जवाब सुखबीर सिंह बादल सिर दे देणगे। तो पहलां भी जांच सहयोग दिता सी, तो हुण भी जरूर देणगे। तो तस्वीरां तुसीं टीवी स्क्रीन ते वेख सकदे हो कि किस तरीके दे नाल अकाली वर्कर वड्डी गिणती दे विच मौजूद ने। सैक्टर 32 दा ये माहौल है, तुहानू टीवी स्क्रीन ते देख रहा है कि वड्डी गिणती दे विच पुलिस मुलाजम भी तैनात ने, बैरीकेडिंग लगी हुई है। तो अकाली वर्करां दे वल्लों लगातार दस दिए कि अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल सिट के सामने पेश होणगे। थोड़ी देर दे विच सिट सामने अकाली दल प्रधान पेश होणगे। सिट के सवालों का जवाब सुखबीर सिंह बादल देणगे क्योंकि बहबल कलां गोलीकांड मामले दे विच सिट वल्लों पुछगिछ की जा चुकी है। आई जी कवर नौनिहाल की सिट के वल्लों बहबल कलां गोली कांड मामले दे विच पुछगिछ अकाली दल प्रधान तो की गई है। तो हुण एल के यादव की अगवाई वाली सिट के वल्लों कोटकपुरा गोलीकांड मामले की जांच की जा रही है। तो इस सिट के सामने भी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल शामिल होणगे। तो दस दिए कि सिर दे वल्लों जो सवाल पूछे जाने ने उन्हां सवालों का जवाब अकाली दल प्रधान ने अज देना है। तो गोली कांड वेले दस दिए कि अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल सूबे के गृह मंत्री ते डिप्टी सीएम सी, तो लगातार अकाली दल की उस वेले सरकार सी। तो अकाली दल सरकार नूं कटहरे दे विच खड़ा किया जा रहा है क्योंकि जो गोली कांड वापरदा है तो सरकार अकालिया की सी, तो अकालिया की सरकार दे विच ये भाणा वापरिया ये कहा जा रहा है। तो सिख संगतां दे वल्लों लगातार इंसाफ की मंग नूं लैके धरना प्रदर्शन भी किए गए। समय समय दी सरकारां आउंदियां रहियां तां इंसाफ दी मंग नूं लैके सिख जथेबंदियां दे वल्लों समय समय ते सरकारां दे सामने इह सवाल भी उठाए गए। तां तस्वीरां दे विच तुसीं वेख सकदे हो कि अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल दे गड्डियां दा काफला सैक्टर 32 दे विच पहुंच चुक्या। तां थोड़ी देर दे विच सिर दे सामने अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल पेश होणगे। तां तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन ते ने कि गड्डियां दा काफला पहुंच चुक्या। अकाली वर्कर पहलां तों ही उत्थे खड़े होए ने, लगातार नारेबाजी भी करते विखाई दे रहे हैं किते किते। तां गड्डियां दा काफला पहुंच चुक्या। तां थोड़ी देर तक अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल सिट दे सामने पेश होणगे। गोली कांड जदों वापरदा है उस समय सिख संगतां दे वल्लों जो शांतमई धरना प्रदर्शन किया जा रहा सी, उस वेले गोलियां किसने चलाईयां, किस दे कहण ते गोलियां चलाईयां गईयां, क्योंकि सिख संगतां दे वल्लों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की होई बेअदबी का इंसाफ लैण दे लई धरना प्रदर्शन किया जा रहा सी। तां सिख संगतां शांतमई धरना प्रदर्शन कर रही सी, पर उस समय अचानक फायरिंग हुंदी है। तां उह फायरिंग है जिहड़ी उह किस दे कहण ते होई सी। तां लगातार अकाली दल की सरकार ते दोष लग रहे ने क्योंकि अकाली
अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल उदों गृह मंत्रालय भी उन्होंने कोल सी ते डिप्टी सीएम भी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल सी तां सवाल जायज ने पर अकाली दल प्रधान दे वलों कहा जा रहा है कि लगातार सरकारां ड्रामेबाजियां कर रहे ने पहला कांग्रेस सरकार ने ड्रामेबाजी की तो हुण उसे दी तर्ज ते आम आदमी पार्टी की सरकार भी ड्रामे रच रही है पर उन्होंने ये जरूर कहा है कि असीं जांच दे विच सहयोग जरूर देंगे असीं जांच तो भजे नहीं ते ये भी अकाली दल प्रधान दे वलों कहा गया कि जदों 2015 दे विच ये गोलीकांड वापरदा उस समय वो देश दे विच है ही नहीं सी तां सवाल ही नहीं पैदा हुंदा कि उन्हां दे इशारे ते जां उन्हां दे हुक्मां दे विच ये चीज़ां होईयां होण पर जे वेख्या जावे तां सरकारां दे वलों लगातार दोष तां यही लगाए जा रहे ने कि अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल इन्हां दी सरकार सी इन्हां दी अगवाई दे हेठ ये सब कुछ होया तां सिख संगतां दा कह दिए कि रोस भी अकाली दल सरकार ते क्योंकि पंजाब दी पंथक पार्टी अकाली दल दी पार्टी है तां पंजाब दे पंथक मसलियां नूं कहा सीगा लोकां ने कि जे पंजाब दे पंथक मसले नहीं अकाली दल दी सरकार तो पंथक पार्टी सुलझा सकती तां होर की करेगी तां सिख संगतां दे वलों एक नाराजगी भी है तां जे वेख्या जावे तां सुखराज सिंह दे वलों जो धरना प्रदर्शन लगातार जारी है उन्हां दे नाल जदों गलबात की जाती है तां कि तुसीं किस तरीके नाल वेखदे हो कि नवीं सरकार ने वादा किया सी कि अल्टीमेटम भी दिता सी कि पहल के आधार से यह बेअदबी का जो मसला है हल किया जाएगा तो सुखराज सिंह का कहना है कि सिटा पहला भी बनदिया रही ने पहला भी जांच होंदी रही है अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल या सबका DGP सैनी होण या सबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल होण तो लगातार उन्हां तो भी सिट ने पूछगिछ की है पर निकलिया की है तो नवीं सरकार तो यह उम्मीदा ने उन्होंने उन्होंने कहा है कि ठीक है जेकर सरकार बदलाव की नीति में वेख के पंजाब दे विच सत्ता दे विच आई है तो बदलाव जरूर होगा सिख संगतां नूं जो लटकदियां मंगां ने उन्हां दियां बेअदबी दे इंसाफ नूं लेके जो लटकदियां मंगां ने उन्हां दा इंसाफ भी जरूर दिता जाएगा पर हुण जे वेख्या जावे तां जिस तरीके दे नाल इह मामला लटकदा जा रहा है तां उन्हां नूं लगदा है कि शायद इह सरकार भी पहलां वालियां सरकारां दे वांग ही वतीरा कर रही है तां किते ना किते आम आदमी पार्टी की कारगुजारी तो जिहड़े पंजाब दे लोक ने जां सिख संगतां नूं जो इंसाफ की उम्मीद सी उह किते ना किते ढिल्ली पैंदी नज़र आ रही है पर उन्हां दा मनना है कि असीं तां उदों ही यकीन करांगे जदों कोई कारवाई हुंदी है पर हुण मान सरकार ते वी जे वेख्या जाए तो लगातार सवालिया निशान है क्योंकि पंजाब दे विच जो चोणा सी पंजाब विधानसभा चोणा सी तां लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार दे वलों वादे किए गए सी पंजाब दे विच जिन्ने भी पंजाब दे मुद्दे ने चाहे बेरोजगारी होवे चाहे रुजगार होवे भ्रिष्टाचार नूं नकेल कसनी होवे नाजायज माइनिंग का मुद्दा होवे तां सिख संगतां दे नाल जुड़ी हुई एक खबर है तां दस दिए कि सिख संगतां दे वलों इंसाफ नूं लैके एक उम्मीद जताई गई सी कि वाकई कि आम मान सरकार जो आम लोगों की सरकार कही जाती है आम लोगों के विचों यह सरकार बनी है तो जरूर ही आम लोगों की समस्यावां का हल जरूर होगा तो उत्थे ही सिख जथेबंदियों भी एक आस बजी सी कि मान सरकार जरूर ये मसले हल करेगी पर हुण वेखना होगा कि आखिर होर किन्ना समा सिख संगतां नूं मतलब उड़ीक करनी पैंदी है कदों तक इस इंसाफ सिख संगतां नूं इस मामले का मिलता है क्योंकि शांतमई सिख संगतां दे फायरिंग की जाती है वह फायरिंग किस दे कहण ते हुई गोली किस दे हुक्मां ते चली क्योंकि सरकार अकाली दल सी लगातार अकाली दल दी सरकार ते सवाल भी उठ रहे हैं तो तस्वीर तुम एक पास टीवी स्क्रीन पर वेख सकते हो कि सुखबीर सिंह बादल दी गड्डियां दा काफिला सैक्टर 32 दे विच पहुंच चुका है तो थोड़ी देर दे विच सिट दे वलों सवाल जवाब अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं कीते जाने ने क्योंकि गृह मंत्रालय सुखबीर सिंह बादल दे कोल सी तां उस समय डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल सी तां लगातार अकाली दल दे प्रधान नूं अकटहरे दे विच खड़ा कीता जा रहा चाहे कांग्रेस सरकार होवे चाहे मान सरकार होवे इन्हां दा कहना है कि इह अपने मंत्रियों दे तां कारवाई कर ही रहे ने जेकर विरोधी पार्टियां दे वल्लों जो पहलां वालियां सरकारां सी तां उन्हां सरकारां दे विच कोई घपला होया जां जो भी वड्डे वड्डे कारनामे होए ने तां लगातार जिहड़ी मान सरकार उह एक्शन दे विच है ते जिथे अपने विधायकां दे मान सरकार दे वल्लों एक्शन कीता जा रहा है लगातार चाहे भ्रिष्टाचार का मामला होवे चाहे कैबिनेट मंत्री मौजूद ने जो फौजा सिंह सरारी है जां उन्हां दी शांति करनी होवे जां कुर्सी बचाउणी होवे तां लगातार अधिकारियों ते एक गाज भी डिगदी नज़र आ रही है तां उत्थे कहिंदे कि पुराने जो वड्डे लीडर ने उन्हां नूं भी असीं नहीं बख्शांगे जिन्हें भी इहदे विच दोषी पाए जाणगे उन्हां ते कारवाई जरूर होवेगी तस्वीरां तुसीं टीवी स्क्रीन ते वेख सकदे हो कि सुखबीर सिंह बादल दी गड्डियां दा काफला पहुंच चुके है तां अकाली वर्कर भी वड्डी गिणती विच मौजूद ने बीबी जगीर कौर भी सुखबीर सिंह बादल दे नाल आए ने तां उत्थे ही बिक्रम मजीठिया भी नाल आए ने उन्होंने मीडिया सामने ये बयान जरूर दे दिता है कि लगातार पहलां भी सुखबीर सिंह बादल जांच दे विच सहयोग इन्हां ने दिता सी तां हुण भी जदों समय समय ते सिर दे वलों जां पुछगिछ दे लई सद्या जाएगा समन जारी किए जाणगे तां सुखबीर सिंह बादल जांच दे विच सहयोग पूरा देणगे पर किते ना किते मान सरकार ते भी उन्होंने सियासी ड्रामेबाजी का दोष लगाया तां तस्वीरां दे विच तुसीं वेख सकदे हो कि अकाली वर्कर उत्थे पहुंच चुके ने
तो उथे ही सुखबीर सिंह बादल दी गड्डियां दा काफला भी पहुंच चुका है। वड्डे अकाली आगू भी इस समय मौजूद ने। सिट दे वलों पुछगिछ की जानी है क्योंकि 6 सितंबर नूं बहबल कलां गोलीकांड मामले दे विच पुछगिछ की गई सी। IG कवर नौ निहाल की अगवाई वाली सिट दे वलों बहबल कलां गोलीकांड मामले दे विच अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल तों पुछगिछ की गई सी। करीब 3 घंटे वह पुछगिछ हुई सी। तो उस तों बाद अज 14 सितंबर नूं कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे विच अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं समन जारी हुई सी। इस तों पहलां 30 अगस्त पेश होना सी पर समा मांग लिया सी। ते अकाली दल दे वलों लगातार ये भी कहा जा रहा सी कि साडे कोल तां कोई समन आए ही नहीं, कोई सोशल मीडिया ते ही जो समना दी कापी है वह घूम रही है। पर उसे दिन ही सुखबीर सिंह बादल किसी होर मामले दे विच उन्होंने जीरा कोर्ट दे विच पेश होना सी, इस करके उन्हां वलों समा मंगया गया सी। तो 14 सितंबर तक का समा दिता गया सी। अज 14 सितंबर है तो सिट के सामने अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने अज पेश होना है। सैक्टर 32 दे विच उन्हां दी गड्डियां दा काफला पहुँच चुका है। इस समय उन्हां दे नाल वड्डे आगू भी मौजूद ने। तो बीबी जगीर कौर भी उन्होंने नाल मौजूद ने। तो तस्वीरां तुसी टीवी स्क्रीन पर वेख सकते हो कि पुलिस वल भी बड़ी गिणती दे विच मौजूद है। उत्थे बैरीकेडिंग लगी हुई है। तो उत्थे ही अकाली वर्कर जो अकाली दल दे पक्के जो कि मन्या जांदा है कि कट्टर अकाली ने उत्थे पहुँच चुके ने। तो लगातार सुखबीर सिंह बादल ते अकाली दल दी सरकार दे हक दे विच नारेबाजी भी की जा रही है। तस्वीरां दे विच तुसीं वेख सकते हो कि गड्डियां दा काफला उत्थे पहुँच चुका है। सैक्टर 32 दे विच पहुँच चुका है। तो थोड़ी देर दे विच सिट दे सामने अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल पेश होणगे। सिट दे वलों सवाल जवाब किए जाने ने। तो किन्ने घंटे सिट दे वलों सवाल जवाब किए जाते हैं यह वेखना अहम रहेगा। पर अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि असी जांच दे विच सहयोग पूरा देंगे। तो दूजे पासे वह कहिंदे ने कि जदों गोलीकांड वापरदा है उदों असी देश दे विच है ही नहीं सी। तो सवाल ही नहीं पैदा हुंदा है कि साडे हुक्मां ते जां साडी अगवाई दे विच अजिही चीज़ होई होवे। तो सिट यही जानना चाहुंदी है कि उस समय जो सिख संगतां शांतमई तरीके नाल धरना प्रदर्शन कर रही सी, अशांतमई बैठिया सिख संगतां दे आखिर फायरिंग दे हुक्म किसने दिते। पर सवाल ने जिहड़े ओह अकाली दल दी सरकार ते लग रहे ने, सुखबीर सिंह बादल ते लग रहे ने, क्योंकि उस समय जदों गोलीकांड वापरदा है कोटकपुरा ते बहबल कलां गोलीकांड वापरदा है उस समय गृह मंत्रालय ते डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल ही सी। गृह मंत्रालय भी सुखबीर सिंह बादल दे कोल सी। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪੂਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ADGP LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਅੱਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਅਜੀਠੀਆ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। इस खबर से ज़्यादा जानकारी लिए फोन लाइन पर ने मेरे नाल जगतार सिंह सिद्धू जो ग्लोबल पंजाब TV के मैनेजिंग एडिटर ने। तो सिद्धू सर किवें वेखदे हो सैक्टर 32 दे विच अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल पहुँच चुके ने, तो पेश होणगे कोटकपुरा गोलीकांड मामले च पुछगिछ की जानी है। बिल्कुल अकाली दल के लिए अच्छ बहुत वड्डा दिन है क्योंकि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं सिट वल्लों समन किया गया। देखो लगातार दूजी बार जिहड़ा हैगा सिट दे अगे पेश हो रहा। पहला ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਰੀਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਬੇਚੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੇ SDM ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
लगातार अकाली दल हाशिए से तुरे आ रहा है। हुण कानूनी पहलू तो जी देखा जाए तो सिट के मामले लैके देखो दो सिटा वालों केवल एक सिट नहीं है बैबल कलां और इस तो बाद हुण फिर दोबारा कोटपुरा गोलीकांड कोटपुरा गोलीकांड अगे पहला पेश नहीं हुए थे इन्होंने समा ले लिया सी पर हुण अजे दे अगे भी पेश हो रहे थे। दूरी जिहड़ी हैगी है एक तरीके नाल मैं समझदा कि पुछगिछ की जा रही है। वीर बादल लई काफी मुश्किलों का समा आने वाले दिनों च ड्रामेबाजी की गई है बेदबी के मुद्दे से हुण जो नवी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है यह भी एक सियासी ड्रामेबाजी कर रही है किवें वेखदे हो क्योंकि अकाली दल के आगुआं दे वल्लों इल्जाम लगाए जा रहे हैं नवी सरकार से। देखो ये कहना बड़ा सौखा होंगे कि अकाली दल वालों जो कहा जा रहा है कि ड्रामेबाजी की जा रही है ड्रामेबाजी कहने के नाल ये पॉलिटिकल लफाज है। अज के दौर से किसी भी पार्टी के खिलाफ किसी भी नेता के खिलाफ जो गल होंगी है दो शब्द बड़े पॉपुलर है एक तो कहा जाता है कि बदले की भावना नाल किया जा रहा है दूसरा ड्रामेबाजी की गल की जाती है। हम गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मुद्दा इस नाल जिहड़ियां जुड़ियां हुई तंदा मंदभागियां किरणावां चाहे आप बैबल कलां की गल कर लिए कोटपुरा की गल कर लिए दो सिंह शहीद हुए दुनिया भर च जिहड़े बैठे पंजाबी है सिख भाईचारा पिछले सत साल तो लगातार इस गल की इंतजार च है कि इस मुद्दे से न्याय ते इंसाफ मिलना चाहिए। देखो पहला अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई कैप्टन अमरिंदर इसे मुद्दे नु लेके पंजाबियों का भरोसा उन्होंने जितने की कोशिश की आप सारे जानते हैं गुटका साहब तलवंडी साहब हाथ च फड़ के उन्होंने सहु खाधी इस गल की भी मैं इस मुद्दे से न्याय ते इंसाफ दान करने वास्ते न्याय ते इंसाफ तक की देना से वो आप कीता जा रहा ते इतों तक गल आखी कि एदे तो यह साबित हुंदा है कि इस अफसर की कोई पोलिटिकल एंबिशन है आफ्टर रिटायरमेंट ये कोई सियासी अहुदा लैके सियासत दे विच आउणा चाहुंदा है ते जज साहब जज तो है ही बड़े सत्कारयोग पर इस जजमेंट दे दे तुसी राही देखो तो शायद ज्योतिषी भी बड़े चंगे है उस ओही अफसर कुंवर विजय प्रताप जदों हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स पास किए पता लग्या कि हुण मैं आपकी सर्विस कंटिन्यू नहीं कर सकता इन्ने स्ट्रिक्चर्स के बाद उन्होंने रिजाइन करके ते आम आदमी पार्टी ज्वाइन की ते आम आदमी पार्टी तो वालों इलेक्शन लड़के MLA बने। सो एहो जी पोलिटिकली ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन एहो जे सेंसिटिव मुद्दों पर जिथे सारी दुनिया के बैठी नानक नाम लेवा संगत इंसाफ की आस कर रही है इन्होंने सब तो वड्डा धरो कमाया कौम के नाल क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कमजोर करती पोलिटिकली ड्रिवन होने करके वेखो इंसाफ सच्चे पातशाह वाहिगुरु ने देना है क्योंकि जिहड़ियां सरकारां बनियां चाहे वह कांग्रेस की बनी चाहे आम आदमी पार्टी की बनी जिवें मैं कहा उन्हां दा इंसाफ देने की कोई मंशा नहीं है। श्रोमणी अकाली दल की सरकार वेले ये दुखदाई घटनावां हुई जिंदगी भर इस गल का दुख रहेगा कि यह दुखदाई घटनावां साडी सरकार दे दौरान हुई उस वेले सारिया ओपोजिशन पार्टियां ने डिमांड किया चाहे वह कांग्रेस सी चाहे आम आदमी पार्टी सी चाहे वह अखौती पंथक जथेबंदियां सी कि ये इन्वेस्टिगेशन असी पंजाब पुलिस तो नहीं करवानी ये इन्वेस्टिगेशन CBI नूं दित्ती जावे। गवर्नर साहब नूं भी वह मिले कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की लीडरशिप के जाके राष्ट्रपति उस वेले प्रणब मुखर्जी से उन्होंने भी मिले असी भी कह सकते सी कि पंजाब पुलिस तो करावांगे जिवें कांग्रेस की सरकार ने तो एक अफसर तो ही अड़ गई सी कि असी कुंवर विजय प्रताप तो ही करावांगे हाईकोर्ट के यही पटिशन गई सी ना कि पंजाब पुलिस कोई अफसर कर लवे इनू पासे करो पर कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिता उस वेले की सरकार ने स्टैंड लिता कि कुंवर विजय प्रताप तो ही करावांगे उस वेले अकाली दल की सरकार भी यह स्टैंड ले सकती पर नहीं क्योंकि इंसाफ केवल ये नहीं कि इंसाफ कला होना चाहिए लोगों नू भी लगे इंसाफ होया सो लोगों दी भावनावां दी सत्कार करदिया ये इन्वेस्टिगेशन उस वेले CBI नू दे दित्ती गई ते डेढ़ साल जदों ये ओपोजिशन सी कांग्रेस वाले उदों CBI बड़ी वधिया लगती सी इन्हां नू सरकार बनते सार इन्वेस्टिगेशन CBI तो वापस ले आए तो फिर जिहड़ा इन्वेस्टिगेशन का हाल इन्होंने किया वह अपने सारयां दे सामने। पर इसके उत्ते कुंवर विजय प्रताप ने आप विधानसभा दे विच अद्धा घंटा एक्स्ट्रा समा भी मंगया सी कहिंदे जिस मामले ते गल करनी मैं पूरी जानकारी दे सकदा एक्स्ट्रा समा अद्धा घंटा क्यों तीन साल उन्हें सिट नूं हेड किया अद्धे घंटे नाल की कर लेना सी अज ज्यों सलाहां दिंदा कि बादलां नूं अरैसट करो तीन साल 2015 तो लैके 2018 तक जदों तक उन्हूं हाईकोर्ट ने बाहर नहीं किया उहदे कोल इन्वेस्टिगेशन रही है तो फिर उदों फड़ लैंदा बादलां नूं जाके की लत्तां भार नहीं चलियां
इस करके नहीं फड़ सकिया क्योंकि एविडेंस कोई नहीं सी। ये हाई कोर्ट ने भी रिकॉर्ड किया कि इस अफसर ने केवल बयानबाजी की है, इन्हें एविडेंस ऑन रिकॉर्ड कोई नहीं लिया सकिया, यदा मतलब एविडेंस है ही कोई। अज भी एविडेंस की गल जरूर करते हैं, कहते एविडेंस सारे है, रिपोर्ट्स जिहड़ियां एस आई टी के जो पंजाब सरकार की गल करिए वह भी यही गल कहते हैं कि जी रिपोर्टा कुंवर विजय प्रताप वालों तैयार की गई उन्होंने भी कंसिडर जरूर किया जाए। मेरी बेनती एक है कि पंजाब सरकार या कुंवर विजय प्रताप हाई कोर्ट तो सीनियर हो गए, हाई कोर्ट ने कुंवर विजय प्रताप के खिलाफ परसनली स्ट्रक्चर्स पास किए, पंजाब सरकार की वर्किंग ते टिप्पणियां कीतियां ते इस इन्वेस्टिगेशन नू ट्रैश किया, ये क्या कि पोलिटिकली ड्रिवन है, पोलिटिकल मंतव नाल की जा रही है। फिर ये हाई कोर्ट तो सीनियर हो गए सारे, फिर जाके कर हाई कोर्ट च गल, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के सारे अंदर जाएंगे। उस वक्त होम मिनिस्टर जिहड़े सुखबीर बादल साहब सीगे ते सीधे तौर ते जिहड़ा उन्हां उत्ते जिहड़ा सूई जांदी जांदी इह जिहड़ी स्टेटमेंट है कुलदीप सिंह धालीवाल साहब दी हैगी। एड्डा वाहियात मंत्री है, मैनूं इह लफ्ज़ वरतदा नहीं हुंदा मैं किसे वास्ते, बट मैनूं अज इह कहना पै रिहा जो कुछ अज सूबे जे हुंदा कि भगवंत मान जिम्मेवारी लऊगा वो पटियाले फायरिंग हुई कि भगवंत मान वो जिम्मेवारी लऊगा, यदा मतलब भगवंत मान तो पुछ के फायरिंग हुई है। सिद्धू मूसेवाला का कतल होया दिन दिहाड़े, होया क्यों, वो पिछे कारण की सी, उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई तो सिक्योरिटी विड्रॉ होने की इनफॉरमेशन पब्लिक की गई न्यूज़ चैनल्स राही, सिक्योरिटी विड्रॉ की होम मिनिस्ट्री ने, होम मिनिस्टर कौन है, भगवंत मान, वो इनफॉरमेशन जनतक की पब्लिक रिलेशन मिनिस्ट्री ने, पब्लिक रिलेशन मिनिस्टर कौन है, वह भी भगवंत मान, फिर भगवंत मान भी जिम्मेवार लूगा, जिम्मेवार है ना फिर इस गल का। फिर दो कानून नहीं चलणगे इस देश, एक कानून चलूगा, यह नहीं है कि श्रोमणी अकाली दल वास्ते वखरा कानून ते आम आदमी पार्टी वास्ते या कांग्रेसियां वास्ते वखरा कानून। फिर तो गल इतने भी बनती है ना कि जेकर वो एक कानून तुम क्या एको कानून चलूगा, जेकर उस कानून तहत तुहानू जिम्मेवार कह रहे हैं कि फिर तुम कोशिश करोगे कि इस कानून तहत उन्होंने भी जिम्मेवार ठहराया जाए तो उसके ऊपर भी एक्शन लेने की कोशिश करवाई जाए। मैं उन्होंने टिप्पणी से आपका जवाब दिता है, पर जो मैं पहला कहता कि एड्डी वाहियात स्टेटमेंट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आपकी जजमेंट के बड़ी क्लीयरली गल कही है कि मुख्य मंत्री नू जे तुसी या होम मिनिस्टर नू किसे लॉ एंड ऑर्डर दी सिचुएशन दे विच जिम्मेवार ठहराओगे, मैं एग्जैक्ट लफ्ज कोट कर रहा हूँ, फिर हिंदुस्तान का हर मुख्य मंत्री जेल दियाँ सलाखां दे पिछे होगा क्योंकि एहो जिहियां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशनस डिवेलप हुंदियां है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी गल आखी कि क्योंकि मुख्यमंत्री साहब रात नू 2:30 बजे जाग के भी जायजा ले रहे सी, इतों यह साबित हुंदा है कि मुख्यमंत्री आपकी ड्यूटी का किड्डा पाबंद सी, इनफैक्ट इस गल नू अप्रीशिएट किया हाई कोर्ट ने। सो अज ठीक है हालात इहो जे सी, हवा इहो जी चल गई, ये धालीवाल अर गए या होर कोई जिहड़े फरारी फरूरी अर गए बन गए मंत्री, इन्हां बंदा दा कोई कैलिबर है जी, जे कोई बंदा यह कहे कि कश्मीर च बहुत कुछ हो रहा हर रोज़ जी, फिर अमित शाह नू फड़ के दे दिंदे अंदर बोलन ना, फिर अमित शाह ते भी बोलन उदों तां लत्तां कंबण लग जांदियां इहनां दियां। दूजे पासे तुसीं कहा कि मानदे कि ये मंदभागी घटना तुहाडे जिस कार्यकाल से उस वेले हुई, लेकिन ये मानते हो कि उस वक्त जेकर कार्रवाई च सही ढंग नाल हुंदी जां उस वक्त कमान अपने हाथ च लै ली हुंदी तो ये चीज़ां ना हुंदियां, लोग ऐतक इस बार फिर तुहाडी सरकार बना दे। देखो शायद तुसीं भी फैक्ट्स तो पूरे जाणू नहीं हो, जदों ये दुखदाई घटनावां हुईआं ये 14 अक्टूबर 2015 की घटना, उस वेले सारी संगत वालों पीड़ित परिवारों वालों ओपोजिशन पार्टियां वालों ते जिहड़ियां आपदे आप नूं इह पंथक जथेबंदियां कहिंदियां इन्हां वालों इह डिमांड आई कि इहदी इनवेस्टिगेशन सेंट्रल एजेंसी CBI करे, असीं पंजाब पुलिस तो जांच नहीं करवाउणी। देखो पंजाब पुलिस जांच जे करके लियाउंदी फिर इन्हां लोकां ने सवाल खड़े करने सी, इन्हां दी भावना दी सत्कार करदे, लोकां दी भावना दी सत्कार करदे, ते इक CBI दा ढांचा भी वड्डा है क्योंकि इहदियां तारां उस वेले बाहर जुड़ रहियां सी। सो इह सारियां गल्लां नूं मुख रखदिआं इह जांच 2 नवंबर नूं CBI नूं दे दित्ती गई 15 दिनां दे विच विच, ते फिर साडे कोले तां रही नहीं ना जी जांच, साडे कोले इक्को जांच रह गई सी जिहड़ी मलके ते गुरूसर उदों बाद बेअदबियां होईआं, गुरूसर ते मलवे भी मलके भी बेअदबी हुई, उत्थे इन्होंने किसी ने जाके गल नहीं की क्योंकि सियासत करनी सी ना, सियासत केवल इत्थे हो रही सी। वो जांच पंजाब पुलिस को ले रही, उस वेले दे होम मिनिस्टर सरदार सुखबीर सिंह बादल ने सिट बनाई,
उस सिट ने जांच की एविडेंस इकट्ठा किया चलान पेश किया ट्रायल कराया तो वह बंदे सज़ा होकर अज अंदर है। जे जिहड़ियां घटनावां नवंबर च हो सकदियां उन्हां दी जांच कंप्लीट होके तो वह बंदियां नूं सज़ा मिल सकती है कोर्ट चों, तो फिर अज इन्हां नूं क्यों नहीं मिल सकी? क्योंकि इन्हां दी मंशा इंसाफ दवाउण दी नहीं सी, केवल पोलिटिकल मंशा सी ना। ये तो ठीक है, तुसीं सही गल कही कि उस वेले जिहड़ियां पंथक नत्तेबंदियां सीगियां होर सारे सीगे उन्हां ने कहा कि सी बी आई नूं जांच दित्ती जाए। उस वेले अकाली दल का की स्टैंड सीगा, वह की चाहुंदे सीगे कि सी बी आई नूं देना चाहुंदे सी कि वह चाहुंदे सीगे कि पंजाब पुलिस करे? बादल साहब का हमेशा स्टैंड रहा जी पहलां तक कि कोई भी स्थिति बने उन्हों अमन शांति नाल डील किया जाए, कॉन्फ्रंटेशन ना हो। जितों तक जांच देने की गल है, कोई भी सरकार हो, हर सरकार की जिम्मेवारी है लोगों दी भावनावां का सत्कार करना। एक अंग्रेजी की कहावत है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड सीम टू हैव बीन डन। लोगों नूं भी लगे इंसाफ होया, सो वह भावना का सत्कार करदे होया बादल साहब ने उस वेले की श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने यह जांच सी बी आई नूं दित्ती। बिल्कुल, असी लगातार जिहड़ी अकाली दल दी लीडरशिप हैगी उहदे नाल गलबात करा रहे हैं, तो लगातार तुहाडे तक जिहड़ी है जानकारी इत्थे तक लैके आ रहे हैं। इस वक्त असी पंजाब पुलिस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूशन के बाहर हाँ, जिथे सिट ने जिहड़ी है पूरी जांच कर रही है। तुसी देख सकते हो, जिथे तुसी देख पाओगे कि अज भी जिहड़ा है वह लगातार वड्डी गिणती दे विच जिहड़े वर्करस ने मैंबरस ने वो इत्थे पहुंचे हुए ने अकाली दल दे, और लगातार वह जिहड़ा है वह लगातार इकट्ठे हो रहे हैं कि सुखबीर बादल दे नाल जिहड़ा है वह उन्हां दे सपोर्ट दे विच खड़े होइए।